स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये 20 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके फिटर के एग्जाम में हुए थे, जो ITI के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। एग्जाम 2020 में होने थे, बट कोरोना के कारण ये एग्जाम 18/3/2021 को हुआ था। फिटर ट्रेड का पेपर है ये। इसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, ये वाला सब्जेक्ट सब बच्चों के लिए कॉमन होता है। टर्नर, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, सभी ट्रेड के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, सभी का सिलेबस कॉमन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक जो क्वेश्चन आपके, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, तो अगला स्टेप आप क्या करोगे, तो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। ठीक है, अपियर एट द इंटरव्यू। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को फिल करना है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ क्या लगेगा, इज एम आर के साथ आई एन जी लगता है। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इज पासिंग द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो सही जवाब क्या होगा, बी। तो आपको याद रखना, प्रोग्रेसिव टेंस हो तो इज एम आर के साथ वर्ब के साथ ING का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थों में भिन्न होता, उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन। जो बोलने में तो एक दूसरे से समान होते हैं, बट जो उनका अर्थ होता है वो क्या होता है, अलग होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो राइट, और ये भी क्या है, राइट। ये वाला जो राइट है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, लिखने के लिए। और ये वाला राइट किसके लिए यूज करते हैं, सही और गलत। ये वाला जो सी है, देखने के लिए, हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ पर सी वाला सी यूज करते हैं। और ये सी किसके लिए, समुन्दर के लिए। दोनों की जो साउंड आ रही है वो सेम आ रही है, बट दोनों का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। ये हमारा क्वेश्चन था कि जिन सब समान शब्द होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। अगर इंटरनेट पर किसी तरह की धोखाधड़ी की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। तो सही जवाब क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, FYI, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो सही जवाब क्या है, ए। सिंपल सा था, FYI की फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म दे रखी थी। तो इसका फुल फॉर्म है F44Y फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अगला क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स लंबाई वार प्रिंट होता है। मतलब जब आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हो तो दो फॉर्मेट होते हैं, एक लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगर आपका जो प्रिंट है वो लेंथ वाइज है तो उसको क्या बोलते हैं, हम पोर्ट्रेट प्रिंट बोलते हैं। अब यहां पर देख सकते हो, अगर आपका प्रिंट इस तरीके से आता है तो आपका लैंडस्केप प्रिंट आउट है। अगर आपका प्रिंट ऐसे खड़े में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट प्रिंट आउट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ वैन, वैन का विस्तार बताइए। तो आपको यहाँ पे वैन की फुल फॉर्म बतानी है। वैन के किससे संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है। तो वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपके घर में जितने भी कंप्यूटर है वो इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है, आपके घर के जितने भी कंप्यूटर मॉडम्स जो कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब मान लो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग है, उन बिल्डिंगों का आपस में इंटरकनेक्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर एक ही घर के जो पीसी है वो इंटरकनेक्टेड है, उसको क्या बोलोगे आप, लैन। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आपने जो कनेक्शन कर रखे हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं हम, वैन। वैन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, किस विशेष कार्य के लिए समर्पण को खालिस्तान कहा जाता है। तो डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर, तो आप किसी काम के लिए अगर डेडिकेटेड हो कि मुझे तो ये काम करना ही करना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कमिटमेंट। अगला क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। अगर आपको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा लक्षण जरूरी नहीं है। तो कमिटमेंट भी होना जरूरी है, ठीक है, आप जो काम हो करते हो उसमें कमिटमेंट रहना पड़ेगा आपने, इसमें किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं। इंटीग्रिटी, ट्रस्टफुल होना चाहिए,
मतलब विश्वास रखना चाहिए, उसके बाद आत्मविश्वास भी होना चाहिए। तो लास्ट है अनएथिकल वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। सफलता पाने के लिए अनएथिकल वर्क मतलब बेफजूल का कार्य है, तो सही जवाब क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, पुअर। तो आप कम्युनिकेशन पुअर कैसे होगा, तो सबसे पहले ये ऑप्शन है संदेश अस्पष्ट होना। तो अगर आप जो बात कहना चाहते हो अगर वो स्पष्ट नहीं है, क्या बात कहना चाहते हो, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, पुअर कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है कच्चे माल की खरीद, मजदूरी, वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। तो कच्चे माल, मजदूरी, वेतन, ये सभी आपके किस में आते हैं, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, या मार्केट की डिमांड के अनुसार कम ज्यादा हो सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कार्यशील पूंजी, ठीक है। जैसे कच्चा माल, मजदूरी, ये वेतन, किराए, बिजली का बिल आदि, ये क्या होते हैं, समय अनुसार कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी महीने प्रोडक्शन कम हो, किसी महीने प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो इस तरह के जो निवेश होता है वो आपका कौन सा निवेश होता है, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका बतानी है आपको, ठीक है। ये खाली स्थान दे रखा है, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो इंडस्ट्रीज को शुरू करता है, रिस्क लेता है, तो उसके कारण से क्या होता है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें क्या होता है, सुधार होता है। क्योंकि उद्यमी क्या करता है, रिस्क लेता है, वो बिजनेस शुरू करता है, तो उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, लोगों की आय में सुधार होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है एटीएम, एटीएम का विस्तार बताइए। तो एटीएम सभी को पता है, एटीएम सभी ने देखा होगा, पैसे निकालने की मशीन होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो सही जवाब क्या है इसका, बी। अगला क्वेश्चन है केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है। तो केवाईसी सभी को पता होता है, जैसे बैंक में जाते हो, खाता खुलवाते हो, उसके लिए केवाईसी करनी पड़ती है, पेटीएम अकाउंट के लिए केवाईसी। तो केवाईसी के लिए आपका वोटर कार्ड भी चल सकता है, राशन कार्ड भी चल सकता है, आवासीय प्रमाण पत्र भी। तो आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती केवाईसी करवाने के लिए हमें। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो इस तरीके के पेड़ पौधे, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, रेप्टाइल, एनिमल्स, बर्ड्स, तो इन सब का जो आपस में इंटर रिलेशन होता है, सब दूसरे एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं नेचर के अंदर, ये बैलेंस बिटवीन दीज रिलेशनशिप, ठीक है, इनके बीच में जो बैलेंस बना हुआ है सबके बीच में, इस चीज का जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, तो कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है, तो दोनों क्या है, हैजर्ड्स हैं, जोखिम है, तो किस प्रकार के जोखिम है, ये शारीरिक जोखिम, क्योंकि इनसे चोट लगने का खतरा रहता है। अब यहाँ पे देख सकते, वाइब्रेटर है जो सीमेंट के लेंटर वगैरह बने होते हैं, सड़क के बने होते हैं, उनको तोड़ने के लिए काम आता है, तो हाई स्पीड से ये वाइब्रेट करते हैं, तो हो सकता है इससे जो मजदूर होते हैं उनको चोट भी लग सकती है। इसी तरीके से जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें से जो रेडिएशन आती है वो शरीर के लिए काफी हार्मफुल होती है, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, तो ये सब हमारे क्या है, शारीरिक जोखिम। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी से अधिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम करेगा, 48 घंटे, ठीक है। एक कर्मचारी किसी अगर फैक्ट्री एक्ट के तहत काम कर रहा है तो सप्ताह के अंदर वो अधिक से अधिक कितना काम करेगा, 48 घंटे, तो ये बात कौन बताता है, हमारा फैक्ट्री एक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषक है, तो आपको बतानी है इनमें से जो वायु प्रदूषक है वो कौन सा एलिमेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, काफी जहरीली गैस होती है, जितनी भी हमारी भट्टी होती है, इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जिनसे धुआं निकलता है, तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो इन्वायरमेंट के लिए काफी नुकसानदायक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या, तो आपको क्वालिटी टूल बताने हैं। तो हमारे पास कुल कितने क्वालिटी टूल हैं, 7 क्वालिटी टूल हैं। अब ये क्वालिटी टूल क्या है, ये क्वालिटी टूल कुछ नहीं है, ये ग्राफिकल टूल है हमारे पास, ये एक जैपनीज
प्रोफेसर थे जापान के, उन्होंने क्या किया, वहां पे जितने भी प्रोडक्शन यूनिट थी, इंडस्ट्रियल यूनिट थी, उनमें प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ग्राफिकली ये 7 टूल दिए। ठीक है, तो इन टूल से हम क्या करते हैं, जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसकी प्रोसेस को एनालिसिस करते हैं। तो ये सभी क्या है, ग्राफिकली चार्ट्स है, इनकी मदद से क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमें मदद मिलती है। तो इनका मेन पर्पज क्या है, इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी से रिलेटेड अगर कोई इशू है उनको सोल्व करने के लिए इन 7 क्वालिटी टूल का प्रयोग करते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। ठीक है, आपको ये अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला बताना इनमें से कौन सा सही है। तो फॉर्मूला नंबर ए सही है, बट यहाँ पर जो ये क्यू लिखा हुआ है इसके बटे में यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। तो सही फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला जो क्वालिटी का हमारे पास जो एक्यूरेट फॉर्मूला है वो क्या है, परफॉर्मेंस बटे में एक्सपेक्टेशन। मतलब मान लो आपके पास एक स्कूटी है, आप चाहते हो परफॉर्मेंस, क्या वो परफॉर्मेंस दे रही है और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाहते हो। ठीक है, उन दोनों का जो रेशो होगा, अनुपात होगा, वो क्या किसके बराबर होगा, क्वालिटी के इक्वल होगा। तो जो राइट फॉर्मूला होगा क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन ई। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आईटी संबंधी सब प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आईटी पाठशाला के साथ बने रहिए। थैंक यू।